आज हम लोगों में भक्ति तो बहुत बढ़ रही है, देख लो कहीं भी, चाहे महाकुंभ का पर्व हो या किसी भी पर्व का दर्शन करें, भक्तों की भीड़ आपको लाखों करोड़ों में मिलेगी। तो लगता है भक्ति बढ़ रही है, भागवत की कथाओं में भी खूब भीड़ बढ़ रही है, मंदिरों में भी, देवालयों में भी खूब भीड़ बढ़ रही है, लगता है भक्ति जवान हो रही है। पर भक्ति तो खूब बढ़ रही है, पर इस भक्ति के बच्चे ज्ञान और वैराग्य तो न जाने कहां सोए पड़े हैं। कोरी भक्ति बढ़ रही है, उसमें ज्ञान वैराग्य का कहीं भी दर्शन नहीं हो रहा। तो जहां ज्ञान वैराग्य विहीन भक्ति होती है, वहां भक्ति की विडंबना होती है, भक्ति को क्लेश होता है। भक्ति पुत्रवती शोभा संपन्न होती है, और पुत्रवती मां ना, मां हो, मां पुत्रवती न बने तो लोग चर्चा करते हैं उसमें कोई दोष है, उसमें अपूर्णता है। मां को पूर्णता कब प्राप्त होती है? जब वो पुत्रवती बनती है और पुत्र उसके स्वस्थ हो। उसी प्रकार भक्ति हमारे जीवन में कब शोभा संपन्न होती है? जब भक्ति करते करते भगवत स्वरूप का प्रबोध ज्ञान हमको प्राप्त होने लगे, भगवत तत्व का बोध होने लगे, भक्ति करते करते जगत से विरक्ति होने लगे, वैराग्य हमारे भीतर उत्पन्न होने लगे। जिस दिन ज्ञान और वैराग्य का जन्म हो गया हमारी भक्ति में, उसी दिन हमारी भक्ति सार्थक हो गई, पुत्रवती हो गई। पर भगवत स्वरूप का यदि ज्ञान नहीं और जगत से वैराग्य नहीं, तो समझ लो हमारी भक्ति तो है पर बंध्या है, बंध्या भक्ति की शोभा नहीं। ज्ञान वैराग्य विहीन भक्ति अंधी होती है, उसका समाज में दोहन और शोषण होता है। भक्तों की कमी नहीं है, भक्ति खूब है, पर जो ये समोसा खिला खिला के कृपा कर रहे हैं, ये क्या है? ये भक्ति भावना का शोषण है, दोहन है, क्योंकि अंधे हैं बेचारे, उनको दिखाई पड़ता ही नहीं कि सच्चाई क्या है। तो भक्ति यदि अंधी होगी तो उसकी विडंबना होगी, इसलिए भक्ति में ज्ञान वैराग्य की आंखें स्वस्थ होनी चाहिए, ताकि आप सावधान रह सकें ऐसे लोगों से। बोलो राधे राधे, 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 राधे।